in Nepal, there are plenty of tribes. Different tribes have different jewels. Achha, so this particular is of which tribe? Which one? Maithili. Okay, Maithili. Okay. I'll have this one. Banthi. Yeah, wow. And what is the average cost? 450. So this is like the traditional... Pashmina or silk mixed, Nepal ka. Achha. Very low quantity of Pashmina, it's more of silk. It's more of a silk. And what is the cost? It's 650. Okay, 650, guys. 650. And this is a dupatta. Stole. Stole hai aisa. क्या कॉस्ट है अंकल इसका? 100 का है. 100 का है. ये आप मुझे दे दीजिए. मैं पहन लूँ अभी. And show me this one. This is yak bone. अच्छा ये this is yak bone. And this is also of 100. अंकल इसका क्या कॉस्ट है ये पिंक और ग्रीन स्टोन का? ये हाँ ये इसके बगल वाला. हाँ ये पिंक क्वार्ट्ज. दिस इज पिंक क्वार्ट्ज. ओके दिस इज पिंक जेड. क्या कॉस्ट है इसका? कौन सा इसका? 100 रुपया. आई थिंक इट इज 100 रुपया. 180 का. इट्स ऑल रियल स्टोन्स. दीज आर ऑल रियल राइट. ये आपकी पिक्चर साइड मुझे अच्छा लग रहा है. साइड कर दीजिए. और ये ग्रीन वाला निकाल लिया. लो दिस इज 80 रुपीस. अच्छा ये कुछ भी इसमें सिंथेटिक नहीं है. सिंथेटिक ऐसा होता है जिसे सिंथेटिक. ओके तो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू? यू विल नॉट नो. यू हैव टू बिलीव. ओके वेडिंग ज्वेलरी. दिस इज नॉट मेड टू लुक ओल्ड. दिस इज ओरिजिनल ओल्ड. एंड हाउ मच इज इट? 250. 3 साइज. एंड दीज पेंडेंट्स? 650. ये हाथ का काम है ना? ये सब तो हाथ का होता है. नेपाल में मशीन तो करता है. इसमें ये रूबी है, टर्कवाइज है, अलग अलग पत्थर है. रूबी वाला दिखाइएगा तो मुझे. रूबी ओरिजिनल है लेकिन क्वालिटी सबसे घटिया. अब ये गुड क्वालिटी का होने से इतना पढ़ा कर 1,00,000 रुपया पड़ेगा. जी वही तो मैं सोची. लाइक समथिंग लाइक दैट. वो जो वुड का है. इफ इट इज लाइक सेम थिंग. इफ इट इज लाइक दिस फॉर दिस साइज दिस इज कॉल्ड 1 lakh. दिस इज गुड क्वालिटी रूबी. अच्छा तो ये क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है. देखे ना जब कोरा है. ओके पहन कैसे पहनते हैं? ये स्ट्रेचेबल है ना? स्ट्रेचेबल है लेकिन आप ऐसा करके जी. लो ओके हो गया. दिस इज बुद्धा. बुद्धा ये इसका गया. यू विल नॉट गेट सेकंड पीसेस लाइक दिस. हां दिस फिलिग्री इज वेरी ब्यूटीफुल. लाइक द आई कैन सी समथिंग व्हिच लुक लाइक एमेथिस्ट. बहुत सुंदर लग रहा है. एमेथिस्ट ही है. एमेथिस्ट इन ब्लैक वन नेक्स्ट है. एंड हाउ मच इज इट फॉर? 550. आई विल टेक दिस वन आल्सो. एंड व्हाट इज द मेटल सर? वाइट मेटल. अच्छा इट्स लाइक मिक्स सिल्वर. ये कहाँ मिलता है? ये सब नेपाल का है. हम लोग दिल्ली वेली का नहीं रखते हम लोग. जी ये कितने का है? कौन सा? 800 का. मदर ऑफ पर्ल नहीं है. मदर ऑफ पर्ल तो नहीं. ये स्टोन है. अच्छा स्टोन है.
Yes, look at it. This is all real stone. This is your pendant. This is pendant. How much is it? कौन से 1500 का कौन कौन से स्टोन है इसमें क्या स्टोन बोल रहे हैं ये तो जेड है ओके ये सब जेड ही है अच्छा ये पिंक जेड है अच्छा पिंक जेड है पिंक जेड अच्छा मेल रिंग ढीला हो गया सुंदर है लेकिन काफी और ये जो फिगरीन बना हुआ है ब्लू कलर ये वाला हाँ पत्थर है कौन सा स्टोन है कोई मत लैपिस बोल रहे लेकिन लैपिस नहीं है ये लैपिस लाजुली नहीं है विष्णु अष्टमंगल में अष्टम इज ए यस तो दिस इज वन ऑफ द लकी सिंबल ये लोटस है ना लोटस है इसको रख साइड कर दीजिए चल कितना सुंदर है ये बाप रे ओह दिस लुक्स वेरी ओल्ड क्या कॉस्ट दिस इज एक्चुअल एंटीक यस वाओ ब्यूटीफुल बोन को फिर पेंट किया है काफी भारी होता है ये अंदर भी कार्विंग है ये मैं ले रही हूँ ठीक है Okay, so this is one of my favorite purchases from Darjeeling. I just love the detailed, intricate filigree. और इसका stone का भी color combination मुझे काफ़ी अच्छा लगा which is blue and red. और जैसा कि आप देख सकते हैं ये object जो है पुराना हो चुका है लेकिन फिर भी मुझे ऐसी चीज़ें collect करना बहुत पसंद है मैं शौकीन हूँ ऐसी चीज़ों को collect करने के लिए इसलिए price थोड़ा महंगा भी लगा फिर भी मैंने इसको ख़रीद लिया बिकॉज आई कुडंट रेजिस्ट आफ्टर लुकिंग एट द डिटेल्ड वर्क चूँकि मुझे ऐसी चीज़ें कलेक्ट करना अच्छा लगता है जिसमें काफ़ी बारीकी का काम किया हुआ हो काफ़ी यू कैन सी द वर्क इट्स स्प्लेंडेड इट्स आउटस्टैंडिंग इट्स वन ऑफ माई फेवरेट परचेजेस आई लव इट आई ऑल्सो परचेज दीज ब्रेसलेट्स इसमें टर्कोइज है ये शायद कार्निलियन है शायद आई एम नॉट श्योर उन्होंने ऐसा बोला मुझे नहीं पता ये ओरिजिनल कार्निलियन है कि नहीं ओरिजिनल जो भी पत्थर होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं And this one is very beautiful. This is like stone bracelets, simple stone bracelets, which I love. This cute little pendant is modern, quite modern as compared to the other purchases. वो मेरी बाकी सारी purchases बिल्कुल पुरानी दिखती हैं. ये काफी modern है और cute सा है. That's why I purchased it. I love it. ये बीड नेकलेस है जो कि नेपाल के लोग पहनते हैं और मैंने ये नेपाल क्यूरियो शॉप से ही लिया है तो ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड कि क्यूरियोस जो होंगे अधिकतर नेपाल से ही होंगे एंड इट शाइंस वेरी ब्यूटीफुली एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल आई एम वेरी हैप्पी विद दिस परचेज और मेरे पास इस कलर के काफ़ी ड्रेसेज हैं सो इट विल गो वेरी वेल विथ ऑल ऑफ दैट ये आई एम वेरी हैप्पी विथ ऑल ऑफ माई परचेज रियली वेरी हैप्पी This is a beautiful Tibetan pendant of turquoise and probably coral. यहाँ ओम लिखा हुआ है और इसके अंदर भी मंत्र भरे जाते हैं और इसको मैंने सील कर दिया चूँकि वो मंत्र बार बार खुल के निकल जा रहा था और ये बुद्धिस्ट सिंबल है एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल हैंस आई परचेज्ड इट आई परचेज दिस ब्यूटिफुल टर्कवाइज पेंडेंट ये हैंडमेड है जैसा शॉपकीपर ने मुझे बताया था और इसके पीछे भी काफ़ी इंट्रिकेट डिज़ाइन है एंड आई रियली रियली लव दिस टर्कोइज़ इज़ माय फेवरेट और पूरे दार्जिलिंग लद्दाख
धर्मशाला एरिया में आपको ये बहुत ज़्यादा ये टर्कवाइज देखने को मिलेगा, नॉट इवन इन इंडिया बट अक्रॉस तिब्बत, भूटान, नेपाल ज्वेलरी में भी ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. दिस इज ऑफिशियली माई फेवरेट स्टोन नाउ. दिस ब्यूटिफुल थिंग इज हमसा साइन पेंडेंट. इसमें कोरल है, टर्कवाइज है और आई डोंट थिंक ये ब्लू लापिस लाजुली है. लापिस लाजुली बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे काफ़ी ओल्ड वाइब्स आ रही है, इससे विंटेज वाइब्स आ रही है, दैट्स व्हाई आई परचेज्ड इट. इट्स वेरी ब्यूटिफुल. कमिंग टू दीज टू लवलीज, ये भी उन्होंने शॉपकीपर ने मुझे बताया था, ये हाथ से बना हुआ है और इसमें भगवान बुद्ध और भगवान नारायण के सिम्बल्स हैं. अगर आप ध्यान से देखिए तो ये इधर से कछुआ बनता है, यहाँ पे ये चीज़ जो है ये शंख है और इधर लोटस बने हुए हैं. तो आई फाउंड दिस वेरी आर्टिस्टिक और मुझे ऐसी चीज़ें काफ़ी पसंद आती हैं. एंड इट्स क्वाइट हैवी और ये शायद हाथ से बना हुआ है, आई एम नॉट श्योर, बट उन्होंने शॉपकीपर ने मुझे बोला कि हाथ से बना हुआ है. तो दिस शेल, दिस टर्टल एंड दिस ब्यूटिफुल लोटस बर्ड्स, ऑल ऑफ देम रिप्रेजेंट बोथ बुद्धा एज वेल एज लॉर्ड विष्णु. एंड ये बहुत आर्टिस्टिक है एंड मी बींग एन आर्ट लवर, I couldn't say no to this. It's very beautiful. I love these earrings. They are so beautiful. And this Hamsa sign pendant. This is all I've got from Nepal Curios House. Once you visit Darjeeling, you make sure you visit that shop. It's very beautiful. The curios were outstanding. Thanks a lot for watching my video. Bye-bye.